अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे बावर्ची स्टाइल बहुत ही टेस्टी चिकन रिशन कबाब की रेसिपी। तो चले इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर देखिए, यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है और दो छोटे आलू भी है। हमें इसे 2 कप पानी डाल के इसे बॉईल कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। नमक ऐड कर ले टेस्ट के मुताबिक और इसे बॉईल होने दे। देखिए हमारे चिकन और आलू बॉईल हो गए हैं। इसका जो पानी है हमें उसे फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इस पानी को हम साइड में निकाल के रख देंगे और इसे ठंडा होने के बाद हमें आलू को मैश कर लेना है और चिकन को श्रेड करके रख लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक पैन में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मस्का ले लिया है और 3 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड कर देना है हमें। इसे गर्म होने दे। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर ले। ज़ीरा थोड़ा क्रैकल हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर फंसी यानी फ्रेंच बीन और गाजर ऐड करेंगे। 100 ग्राम के करीब मैंने फ्रेंच बीन लिया है और 2 गाजर लिए हैं मैंने। इसे हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सॉटे कर लेना है। देखिए 2 मिनट के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। इसे भी हमें अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है 10 मिनट के लिए। मसाला अच्छे से सॉटे हो जाने के बाद हमें इसमें 1/2 कप के करीब मैदा ऐड कर देना है और इसे भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। ख्याल रखें इसमें मैदे का कच्चा टेस्ट ना है, इसलिए हमें इसे अच्छे से भून लेना है और बीच बीच में स्टर भी करते रहना है। अच्छे से मैदा भूनने के बाद अब जो हमने पानी बचा के रखा था वो 2 कप के करीब हमें इसे ऐड कर देना है। जो चिकन का पानी है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड करें। ख्याल रखें बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, हमें इसे कबाब बनाना है और चिकन का पानी ही इसमें ऐड करें, बाकी कोई दूसरा पानी इसमें ऐड ना करें। अब इसमें जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था चिकन, श्रेडेड चिकन और मैश किया पोटैटोस, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, भुना हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर है ये। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर ले और नमक ऐड कर ले, टेस्ट कर ले पहले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और इन मसालों को हमें 5 मिनट के लिए भून लेना है। देखिए 5 मिनट के बाद इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे फ्रेशनेस के लिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है हरे धनिए का। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद हमें इसे अलग एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे ठंडा करके हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे चिकन में जो भी मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। और यहाँ पर हमें इसे अंडे से और सेवइयाँ हैं जो हम शीरकुरमा में डालते हैं, आप ध्यान रखें आप बिल्कुल पतली सेव ले, इससे हमें इसे कोट कर लेना है। पहले आप अंडे में से डिप करें उसके बाद इसे सेवइयाँ से कोट कर ले। सेवइयाँ कितनी आपको कोट करना है टोटली आपके ऊपर है, जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उस तरह से इसे कोट कर ले। हमें इससे फ्लैट कबाब का शेप दे देना है। अगर आप सेवइयाँ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ अंडे में इसे डिप करके आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये रशियन कबाब है तो क्रिस्पी अच्छा लगता है, तो सेवइयाँ अगर ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना के तैयार कर लिए, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, आप इसे एक एक करके फ्राई कर लें। ख्याल रखें इसमें तेल उड़ने का बहुत चांस होता है, तो आप इसे ऐसे इस तरह से एक स्पून में डाल के आप इसे फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक के। देखिए हमारे जो कबाब है फ्राई हो गए हैं, निकाल ले इसे। इसे फ्राई करने के टाइम बहुत सारी झाग आ जाती है तो इसकी फिक्र ना करें, जैसे ही वो बनके तैयार होगा झाग ऑटोमेटिकली हट जाएगी और आपका कबाब बनके ऊपर आ जाएगा। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और यमी बने थे ये। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट करें आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी रेसिपीज़ के लिए। आफ्रीन फूड दरबार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।